Morning India. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका वाईफाई स्टडी में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल हमारा कल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जो कि हमारा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब तक दोस्तों हमने जो पढ़ा था बिल्डिंग मटेरियल्स, वो हमारा मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन कैरी करता है। जो मार्क्स की अगर बात करें तो 10 से 15 नंबर का एसएससी जेई में आता है और आरआरबी जेई के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छा खासा वेटेज वो कैरी करेगा दोस्तों। तो अब तक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि हमने एक अच्छा सब्जेक्ट कवर कर लिया है, अच्छे वे में कर लिया है, प्रॉपर नोट्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ भी। क्विज़ की बात है दोस्तों, तो क्विज़ भी हम ज़रूर रखेंगे इसके लिए। पीडीएफ की बात आती है दोस्तों, कुछ दोस्त बोल रहे थे कि पीडीएफ उनकी डाउनलोड नहीं हो रही है 8 मार्च की, आई थिंक सो। तो 8 मार्च वाली आपको wifistudy.com वेबसाइट पे मिल जाएगी, वाईफाई स्टडी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, अगर आपको ऐप पे नहीं दिख पा रही है तो। इसके अलावा बाकी सारी पीडीएफ्स दोस्तों मैंने खुद चेक की थी तो वो अवेलेबल हो गई हैं। और थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिएगा, जैसे आज की क्लास है तो आज की क्लास में अब दोस्तों सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे बचाऊँ। अब जैसे ही हमारी क्लास ओवर होगी तो कल स्टाफ आएगा, तो कल अपडेट होंगी जो भी वो पीडीएफ्स हैं। तो 1 से 2 दिन आप इंतजार कर लीजिए, आपको पीडीएफ्स सारी जरूर मिल जाया करेंगी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हमारे साथ आज हैं आशीष सर। आज हमारे साथ आशीष सर मौजूद हैं, जो कि हमें सारी स्लाइड्स को आपके सामने दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहली स्लाइड से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हमारा इंट्रोडक्शन है, क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम, इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस टॉपिक के अंदर हम बात करें, अगर आरआरबी जेई ने लगभग 24 टॉपिक्स हमें दे रखे हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो इसके अंदर जो सेकंड टॉपिक था दोस्तों वो हमारा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, वो हम कवर करने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों बिल्डिंग से। सबसे पहली बात करते हैं बिल्डिंग क्या है, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बिल्डिंग हमारा क्या है दोस्तों, हमें पता है बिल्डिंग क्या है। जनरल भाषा में अगर हम बात करें, हमारी बिल्डिंग क्या है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो कि हमें शेल्टर प्रोवाइड करे, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, चाहे वो बाहर के एनवायरनमेंट वेदर कंडीशंस हो उनसे बात करें, चाहे कोई भी वाइल्ड एनिमल्स हैं या किसी भी रिलेटेड से हमारी सुरक्षा करे, या मैं क्या बोलूं अगर थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में आता हूं मैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि दीवारों से बना हुआ है, स्लैब से बना हुआ है, चारों ओर से घिरा हुआ है और ऊपर से प्रोटेक्शन है हमारी, बारिश से प्रोटेक्शन है, हीट से प्रोटेक्शन है, हवा से प्रोटेक्शन है, तो इस तरीके से जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, बिल्डिंग बोल देंगे हम। टेक्निकल भाषा में अगर हमें लिखना हो कि व्हाट इज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की बात करें दोस्तों हाँ जी दोस्तों, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एनीथिंग दैट इज बिल्ड विद वॉल्स एंड रूफ्स। दीवारें होंगी, रूफ होगी। इस रूम के अंदर हम खड़े हैं, स्टूडियो में खड़े हैं, चार दीवारें हैं, रूफ है, छत है। सिंपल घर की बात करें, जैसे हमारे अगर गांव के घर होते हैं, कैसे घर होते हैं, सिंपल दीवारें होती हैं, ऊपर रूफ होती है, स्लैब होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बिल्डिंग बोल देते हैं।
सिविल इंजीनियरिंग की टर्म्स में बात करें तो स्ट्रक्चर हैविंग वेरियस कंपोनेंट्स, नीचे से लेके ऊपर तक अगर हम शुरू करें, सबसे नीचे हमारा फाउंडेशन आ जाएगा जिसको हम सब स्ट्रक्चर बोल देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आता है प्लिंथ आता है, फिर फ्लोर आता है, फिर उसके बाद वॉल्स आती हैं, फिर स्लैब्स आएंगी, बीम्स आएंगी, कॉलम्स की बात करते हैं हम। तो इन सारे जो भी हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं, इनसे जो बनने वाला है हमारा स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब कुछ आती हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। दोस्तों थोड़ा सा सर आपको बड़ा करके दिखाएंगे अभी इसके अंदर फुल स्क्रीन पे। अब दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि जो हमारी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है, क्या क्या टाइप्स की बिल्डिंग है। असेंबली बिल्डिंग्स होती है हमारे पास, बिजनेस बिल्डिंग्स होती है, एजुकेशनल बिल्डिंग होती है, हजार्डस होती है। एक एक करके अगर बात करें इनकी, तो सबसे पहले असेंबली बिल्डिंग क्या है दोस्तों? जहां भी हम असेंबल हो रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, मैरिज हॉल्स हैं, जहां भी गैदरिंग होगी, एक साथ बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसी बिल्डिंग्स को क्या बोल देते हैं? असेंबली बिल्डिंग्स। बिजनेस बिल्डिंग्स जहां पे बिजनेस हो रहा है, बैंक्स हैं जैसे हमारे, एजुकेशनल बिल्डिंग कॉलेजेस हो गए, स्कूल हो गए हमारे। हजार्डस बिल्डिंग जहां पे भी एक्सप्लोसिव या हजार्डस मटेरियल, हजार्डस केमिकल्स, खतरनाक हानिकारक केमिकल्स जहां पे होते हैं, उन बिल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? हजार्डस बिल्डिंग्स। हेल्थ बिल्डिंग जो हमारी हॉस्पिटल्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, रिक्रिएशन बिल्डिंग्स। इंस्टीट्यूशनल आपको पता है दोस्तों, रिक्रिएशन का मतलब होता है जहां भी हम एंटरटेनमेंट करते हैं, जहां पे हम खेलते हैं, कुछ अच्छा इनोवेटिव करते हैं, उनको बोलते हैं रिक्रिएशन बिल्डिंग। रेजिडेंशियल जहां हम रहते हैं, स्टोरेज बिल्डिंग जहां पे स्टोरेज पर्पजेज के लिए जो गोडाउन हमारे होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग होती है, वर्शिप बिल्डिंग होती है, वर्शिप मतलब जहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों? पूजा अर्चना करते हैं। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, स्लाइड नंबर 4। आप देख सकते हैं दोस्तों रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के कुछ एग्जांपल, क्या क्या बिल्डिंग्स आती हैं हमारे पास, क्या है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर? बंगलोज हैं, फ्लैट्स हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं हमारे, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहां हम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, एजुकेशनल बिल्डिंग्स के अंदर हमने बात कर ली, स्कूल है, कॉलेजेस है, लाइब्रेरीज हैं हमारी, ये सारी कैसी बिल्डिंग्स हैं हमारी, किस टाइप की बिल्डिंग्स हैं? एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैं दोस्तों। तीसरी बात करें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स की, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के अंदर क्या आता है दोस्तों? ओल्ड एज होम्स, जहां पे बुजुर्ग, जिन बड़ी दुखदाई बात होती है कि जिन माता पिता के बच्चे उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण उनको रहना पड़ता है, उनको ओल्ड एज होम्स बोलते हैं हम, जहां पे बुजुर्ग लोग रहते हैं। ऐसी वो कैसी बिल्डिंग्स होती हैं दोस्तों? वो हमारी होती हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। इसके बाद प्रिजन की बात करें, मेंटल हॉस्पिटल्स की बात करें, तो ये हमारी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हो गई। असेंबली बिल्डिंग्स आपको पहले ही बताया, जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, जैसे कि म्यूजियम के अंदर एकत्रित होंगे। और इसके अलावा कहां होंगे दोस्तों? जिम के अंदर होते हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए हमारे, मैरिज हॉल्स हो गए। तो ये सब कैसी बिल्डिंग्स है हमारी? असेंबली मतलब इकट्ठा होना। बिजनेस बिल्डिंग्स की बात करें दोस्तों, तो जहां पे बिजनेस होता है, पैसा कमाया जाता है, व्यापार होता है, कैसी कैसी बिल्डिंग्स हो गई? बैंक्स हैं हमारे, ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, मार्केट्स हैं और मॉल्स हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की और, कुछ और टाइप्स की बात करते हैं हम दोस्तों। कैसी है मर्सेंटाइल? मर्सेंटाइल बिल्डिंग और बिजनेस बिल्डिंग के अंदर दोस्तों ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मर्सेंटाइल को पर्टिकुलरली अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, मर्सेंटाइल किसको बोलते हैं दोस्तों? प्लेसेस वेयर गुड्स आर डिस्प्लेड एंड सोल्ड, जो हमारे ग्रोसरी स्टॉल्स होते हैं या जो शोरूम्स जिनको हम बोलते हैं, वो कैसी बिल्डिंग्स होती है? मर्सेंटाइल बिल्डिंग होती है। सिर्फ वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है? मर्सेंटाइल बिल्डिंग होती है हमारी। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि कैसी बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, जिनके अंदर फैक्ट्रीज होती है, जहां पे हमारी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, कैसी बिल्डिंग्स हो गई? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई हमारी। स्टोरेज, गोडाउन, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, स्टेबल मतलब जहां पे हम घोड़े रखते हैं, पशु रहते हैं, जहां पे स्टेबल हो गए। गैराजेस हो गए, हैंगर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो हमें दो एक प्रकार का हैंगर जानते हैं अभी तक, तो कैसा हैंगर? जिन पे हम कपड़े डालते हैं वो हैंगर, लेकिन ये वो वाला हैंगर नहीं है दोस्तों। कल को आप जब बड़े आदमी बन जाओगे, तो आपके पास बड़े बड़े फ्लाइंग जेट होंगे, तो उन जेट्स को आप कहां रखोगे? उन एरोप्लेन्स को आप कहां रखोगे? हैंगर्स में रखोगे इनको। तो वो भी कैसी बिल्डिंग है? स्टोरेज बिल्डिंग है दोस्तों। हजार्डस बिल्डिंग्स की बात करें, तो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, हैंडलिंग होती है, कंबस्टिबल और एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स जहां पे बनते हैं दोस्तों, तो ऐसी बिल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? हजार्डस बिल्डिंग्स। कौन सी बुक अच्छी है बिल्डिंग मटेरियल की? दोस्तों बुक्स के बारे में मैं आपको अगर बात करूं, तो मैं आपको कह रहा हूं ऑलरेडी जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो मोर देन सफिशियंट है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें, तो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं, तो स्टैंडर्ड बुक्स पे ही जाएं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हमारा, हमारे पास 24 टॉपिक्स हैं दोस्तों, 24, ठीक है? तो 24 टॉपिक्स के लिए कौन कौन सी बुक रेफर करोगे आप? कितना टाइम आपको चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। थ्योरी कंटेंट आपको सफिशियंट क्लास में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की और हम बात करेंगे अब स्ट्रक्चरल सिस्टम की, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर एक फर्स्ट टॉपिक यही है कि स्ट्रक्चरल जो सिस्टम है बिल्डिंग का कैसा होता है दोस्तों। अब तीन प्रकार की बिल्डिंग्स आती हैं हमारे पास। कैसी बिल्डिंग होती है? लोड बेयरिंग। लोड का मतलब क्या है दोस्तों? जो कि लोड जिसके ऊपर आ रहा है, जो लोड कैरी कर रही है, ऐसी बिल्डिंग हो गई लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। फ्रेम्ड का मतलब आजकल आपने देखा होगा दोस्तों, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनती है बहुत ज़्यादा, जो जिसके अंदर बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, मल्टी लेवल जो बिल्डिंग्स हमारी बनती हैं वो कैसी बिल्डिंग्स होती हैं? फ्रेम्ड होती है, फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। एक एक करके भी बात करेंगे, ओवरव्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे। कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब मिक्सअप, यानी कि उसके अंदर फ्रेम स्ट्रक्चर का भी कुछ पार्ट आ जाएगा, लोड बेयरिंग का भी पार्ट आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की और एक एक करके बात करते हैं। लोड बेयरिंग की बात करते हैं सबसे पहले। थैंक यू आशीष सर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसके अंदर लोड बेयरिंग के अंदर क्या है हमारा, आपको दिखा रखी है दो इमेजेस। सबसे पहले हम इमेज देखेंगे, पॉइंट्स बाद में पढ़ेंगे। इमेज के अंदर अगर आप देख पाएं तो आपको क्या दिख रहा है? वॉल दिख रहा है, एक दीवार दिख रही है, घर बना हुआ है जो उसके ऊपर। इसके अलावा आपको उसके अंदर कोई कॉलम्स नहीं दिख रहा है, आरसीसी का कोई एज सच आरसीसी स्ट्रक्चर भी उसके अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस फोटो को हम देख के समझ सकते हैं ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये जो दीवारें हैं, ये जो वॉल्स हैं, यही हमारे लोड को कैरी कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं? इट हैज लोड बेयरिंग वॉल्स, जो लोड को कैरी करती हैं, सहन करती हैं, बियर करती हैं। बियर करना मतलब सहन करना। इट हैज लोड बेयरिंग वॉल्स। लोड बेयरिंग वॉल्स होती है जो कि हमारे बिल्डिंग के स्लैब का वेट कैरी करती हैं, या स्लैब के ऊपर भी जो वेट आता है, जो छत के ऊपर भी वेट आता है, उसको वो लोड बेयरिंग वॉल कैरी करती हैं। और फिर वो कैसे चला जाता है? फुटिंग में चला जाता है, फुटिंग से नीचे चला जाता है दोस्तों। लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू वॉल्स, फाउंडेशन, अर्थ और रूरल। ये बात होगी दोस्तों लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की। जो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर था आपको दोस्तों बताया, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? मान लीजिए ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कैसे, जैसे जनरली हमारे गांव में जो घर होते हैं, जहां पे हम इतना ज्यादा, आजकल तो देखो दोस्तों बहुत मॉडर्न जमाना आ गया है, गांव में भी हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन अगर पहले ही टाइम की बात करूं, जो पहले हमारे घर बनते थे कैसे बनते थे? दीवारों के ऊपर ही छत लगा दी जाती थी, दीवारों के ऊपर ही। तो यहां से जो लोड आता था, इस छत का जो लोड आया हमारे पास, फिर ये दीवार के थ्रू होता हुआ हमारी फाउंडेशन में चला जाता था। जो लोड ट्रांसफर होता था वो किसके थ्रू होता था? ये वॉल के थ्रू होता है। किसके अंदर? लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। सिंपल सी टर्म है दोस्तों, लोड को बियर कर रही है, कैरी कर रही है, तो हमारा कैसा स्ट्रक्चर हो गया? लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की और, फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इमेज देखिए आप। इमेज देखते ही चार पॉइंट तो आपके खुद के दिमाग में आ जाएंगे अपने आप। इमेज के अंदर आपको देख के क्लियरली पता लग रहा है कि एक फ्रेम सा बन रहा है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ स्लैब्स डालते जाते हैं, यानी कि छतें बनती जा रही हैं, फ्लोर्स बनते जा रहे हैं। बाद में हम उस बिल्डिंग को किस प्रकार से यूज करना है, मॉल बनाना है, ऑफिस बनाना है, कॉलेज बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम अंदर उसके पार्टीशंस कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है एक फ्रेम का स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए हम ऐसी बिल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, इमेज के अंदर आप देखिए, इमेज के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो रूफ स्लैब है, सबसे जो राइट में नीचे नीचे जो आपको डायग्राम बना हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें आप देखिए जो हमारी रूफ स्लैब है किसके ऊपर रेस्ट कर रही है दोस्तों? बीम्स के ऊपर रेस्ट कर रही है। बीम से फिर बीम किसके ऊपर रेस्ट कर रही है? जो मेन बीम्स होंगी हमारी, उनके ऊपर। कि एक जो हमारी स्लैब होगी, पूरी स्लैब के अंदर कुछ मेन बीम्स होंगी, कुछ सब बीम्स होंगी। तो जो बीम्स है वो मेन बीम के ऊपर आएंगी। मेन बीम किसके ऊपर लोड लाएगी? कॉलम के ऊपर। और कॉलम नीचे कहां ले जाएगा? फुटिंग में। फुटिंग से वो लोड कहां चला जाएगा? सॉइल में चला जाएगा। बिल्कुल आसान सी बात। लोड ट्रांसफर कैसे हुआ? छत थी, छत ने बीम को लोड दे दिया, रूफ स्लैब ने क्या किया? बीम को लोड दे दिया। बीम ने वो लोड कहां ट्रांसफर कर दिया? कॉलम में कर दिया। कॉलम से वो लोड कहां चला गया? फुटिंग की ओर चला गया। और फुटिंग से दोस्तों वो लोड कहां चला गया हमारा? अर्थ या फिर सॉइल पे चला गया। अब दोस्तों इसके अंदर देखो, दीवारों की बात आती है अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल्स का क्या पर्पज होता है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर जहां भी होगा, वॉल को सिर्फ और सिर्फ हम एक पर्दे की तरह प्रयोग करते हैं, प्राइवेसी लाने के लिए, पार्टीशन पर्पज के लिए यूज करते हैं, वो वहां पे कोई लोड कैरी नहीं करती है दोस्तों। पॉइंट ई अगर हम देखें, रेड कलर में स्काई स्क्रैपर्स लिख रखा है आपको। स्काई स्क्रैपर सिर्फ और सिर्फ एक फैंसी शब्द है, किनके लिए? जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं उनको हम स्काई स्क्रैपर्स बोल देते हैं। बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग होती है, बहुत ज्यादा हाइट होती है इनकी, तो उनको दोस्तों हम स्काई स्क्रैपर्स यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सही मोनिश जी, वॉल्स आर यूज्ड फॉर जस्ट फॉर पार्टीशन की बात, स्ट्रक्चरल के अंदर अगर हम बात करें।
अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसके देखें तो ऑल पॉइंट्स ऑफ फ्रेम आर कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिकली। मोनोलिथिक शब्द का मतलब क्या है कि हम उनको एक ही बार में एक सिंगल यूनिट की तरह हम बनाते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है एक अलग बना लिया फिर दूसरा अलग कॉलम बना लिया और उन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मोनोलिथिकली बना रहे हैं उनको, एक बार में सिंगल यूनिट की तरह कास्ट हो रही है हमारी पूरी बिल्डिंग। तो जो चाहे आप नीचे से लेके ऊपर तक देखें, कॉलम है, कॉलम से फिर बीम्स है, बीम से फिर हमारी स्लैब्स बन रही है, पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल यूनिट की तरह एक ही बार में मोनोलिथिकली, मोनो मतलब सिंगल टाइम, सिंगल बार में सारा ऐसे एक ही पूरा कंपोनेंट हमारा बना होता है ये। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फ्रेम आर कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिकली। आरसीसी मटेरियल हम यूज करते हैं, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट इसके अंदर यूज करते हैं, मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर विदस्टैंड ऑल कंप्रेसिव टेंजाइल टॉर्जन एंड शियर एंड मोमेंट्स। इनकी बात करेंगे दोस्तों हम सोम के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की ओर। तीसरा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमारा क्या है, कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं जिसके अंदर फ्रेम भी होगा, वॉल्स भी होगा। राइट साइड वाले डायग्राम आप पहले देखेंगे, डायग्राम में आप देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्लैब भी है उसके अंदर, बीम भी है उसके अंदर, क्या है लोड बियरिंग वॉल भी है जो वॉल लोड कैरी कर सकती है, और क्या है उसके अंदर कॉलम भी बना हुआ है। तो ये मिक्सचर है जहां लोड बियरिंग वॉल भी है दोस्तों और जहां पे हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर। अब कंपोजिट स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, लार्ज स्पैन, जहां भी लार्ज स्पैन होगा, जैसे कि हमारे वेयर हाउस होते हैं, जैसे हमारे वेयर हाउसेज होते हैं। वेयर हाउस क्या होता है, एक वेयर हाउस के अंदर बात करें, फैक्ट्रीज में बात करें, ऐसी बिल्डिंग्स की बात करें दोस्तों जो बहुत ज्यादा लार्ज स्पैन की होती है। स्पैन मतलब अगर हम बात करें, ये वेयर हाउस हमारा बहुत लंबा जोड़ा है यहां तक, अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन में देखूं इस तरीके से, तो ये जो हमारी लेंथ होती है बहुत ज्यादा है कि इसके ऊपर अगर मैं पूरी स्लैब बनाना चाहूं तो सिर्फ कॉलम्स के बेसिस पे वो नहीं बन सकती है, कॉलम्स या बीम्स। तो उसके लिए अगर हमें जरूरत होती है तो वहां पे हम लोड बेयरिंग वॉल्स भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो इसके अंदर जो साइड की इसकी वॉल्स होंगी वो लोड बेयरिंग वॉल्स होंगी, इन्हीं के ऊपर जो हमारी रूफ है वो रेस्ट करेगी, बीच बीच में हम कॉलम्स भी बना देंगे सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से जहां भी एक मिक्सचर मिल जाएगा दोस्तों हमें, हम उसको क्या बोल देते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना जो हम सिविल इंजीनियर्स को सताते हैं, जहां पे हमारी बेइज्जती की जाती है, चाहे हम बात करें कॉलेज की, चाहे हमारे घर माहौल आस पड़ोस की बात करें, इसके लिए ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते फिरते आप जहां भी जाएंगे टीचर आपसे पूछ लेगा, हाँ भाई सिविल इंजीनियर बताओ क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, फुटिंग क्या होती है, फाउंडेशन क्या होता है। तो ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना दोस्तों हमें पता होता है, लेकिन हम उस टाइम पे ला नहीं पाते हैं उनको शब्दों के अंदर, तो उसी से हमारी इंसल्ट होती है। सिंपल सिंपल टर्म्स आपको अच्छे से एक बार याद रखनी है, आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे उसके अंदर आपको क्लियरली आप समझ आएगा सबसे नीचे क्या होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फिर नेक्स्ट क्या आता है। बढ़ते हैं दोस्तों आशीष सर अब दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, चलते हैं। फाउंडेशन, प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर, जो तीन हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, तीन होते हैं, पहला फाउंडेशन, दूसरा प्लिंथ और तीसरा सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। फाउंडेशन को ही क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। सब स्ट्रक्चर समझ आ गया। सुपर स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे दोस्तों, ग्राउंड लेवल से, आप इमेज के अंदर भी देखिए ग्राउंड लेवल दिखा रहा है आपको, GL से ग्राउंड लेवल दिखा रखा है, ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्लिंथ किसको बोलते हैं दोस्तों, प्लिंथ बोलते हैं हम ग्राउंड लेवल से तो ऊपर और जो फ्लोर का लेवल है उससे नीचे। एक बार फिर से सुनिए, ग्राउंड लेवल से तो ऊपर लेकिन फ्लोर से नीचे, तो वो जो बीच का पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लिंथ बोलते हैं। अब बढ़ते हैं एक एक करके हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, स्लाइड नंबर 11। फाउंडेशन, प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर, तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों हम। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की दोस्तों। फाउंडेशन आप राइट साइड में इमेज भी देख सकते हैं, विड्थ ऑफ फाउंडेशन किसको बोलते हैं, हमने सॉइल में भी अच्छे से पढ़ लिया, यहां पे आपको क्लियरली दिख भी रहा है। एक कंक्रीट बेड लगाएंगे उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे, फाउंडेशन जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे फाउंडेशन की विड्थ कम होती जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फाउंडेशन डेप्थ, तो आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से बिल्कुल नीचे तक जहां से हमने कंक्रीट बेड लगाया वहां तक उस डेप्थ को
क्या बोल देते हैं, फाउंडेशन डेप्थ बोलते हैं। और फाउंडेशन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। फाउंडेशन का डिजाइन हम ऑलरेडी सॉइल में पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन के लोड्स के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर बात करें बिल्डिंग कंपोनेंट्स की, बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बिलो ग्राउंड लेवल डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद सबस्ट्रेटा, ऑल द लोड इज ट्रांसमिटेड टू सॉइल बाय फाउंडेशन। तीसरा पॉइंट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बिल्डिंग कॉम्पोनेंट्स में से कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो लास्ट में, सबसे लास्ट में लोड को ट्रांसफर करता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अभी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है। सबसे ऊपर स्लैब थी, स्लैब के बाद क्या हुआ हमारा यहां पे, ये तो थी स्लैब, स्लैब के बाद आई हमारी बीम, बीम के बाद क्या आया था दोस्तों कॉलम, और कॉलम के बाद क्या आ गई हमारी फाउंडेशन। अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो लोड कहाँ आया, स्लैब पे आया, स्लैब से लोड कहाँ आया, बीम के ऊपर, बीम ने किसको दे दिया कॉलम को, कॉलम ने किसको दे दिया फुटिंग को, और फुटिंग ने किसको ट्रांसफर किया सॉइल को। तो यहाँ पे फुटिंग या फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में सबसे ज़्यादा जो लोड ट्रांसफर किया है वो किसने किया है, हमारा फाउंडेशन ने किया है। अल्टीमेटली जो सॉइल को जो ट्रांसफर किया है लोड वो किसने किया है, फाउंडेशन ने किया है। चलते हैं फिर से स्लाइड की ओर दोस्तों, प्लिंथ की बात करें अगर हम, प्लिंथ की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लिंथ क्या है हमारा, प्लिंथ जो होता है वो है बिल्डिंग पार्ट अबव द ग्राउंड लेवल अप टू द फ्लोर लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर लेकिन फ्लोर लेवल तक, यानी कि अगर इमीडिएटली आफ्टर ग्राउंड लेवल होता है ये हमारा। अगली बात क्या है दोस्तों, अगर हम जनरल टर्म्स में हम यूज करते हैं प्लिंथ एरिया किसको बोलते हैं, जो बिल्ट अप एरिया होता है हमारा वो किसकी टर्म्स में लेते हैं, प्लिंथ एरिया के टर्म्स में लेते हैं। जितना हमारा प्लिंथ जितने एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया। अब दोस्तों बात आती है सुपरस्ट्रक्चर की, सुपरस्ट्रक्चर आपको बता ही दिया कि जो हमारे ग्राउंड लेवल से ऊपर जो भी होगा, या फिर लेवल ऑफ प्लिंथ। अब प्लिंथ का लेवल कहां से शुरू होता है, ग्राउंड लेवल से ही होता है। आप डायग्राम में देखिए क्लियरली प्लिंथ कहां से शुरू हो रहा है, ग्राउंड लेवल से शुरू हो रहा है। तो यही मैंने क्या बोला कि सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है, या तो ग्राउंड लेवल या फिर प्लिंथ के लेवल से। शब्दों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लिंथ का लेवल कहां से शुरू हुआ, ग्राउंड लेवल से। तो या तो प्लिंथ लेवल या फिर ग्राउंड लेवल से जो हमारा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फाउंडेशन, फाउंडेशन की बात करें दोस्तों ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फाउंडेशन को बहुत बार सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको एंटायर लोड है वो इसके द्वारा ट्रांसफर होता है। स्ट्रिप फाउंडेशन होती है, रेक्टेंगुलर होती है, आइसोलेटेड होती है, पाइल फाउंडेशन होती है, कंबाइंड फाउंडेशन होती है। सॉइल के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा था शैलो फाउंडेशन क्या होती है और डीप फाउंडेशन क्या होती हैं। तो ये तो हो गया बेसिक फाउंडेशन का दोस्तों। नेक्स्ट प्लिंथ की ओर बढ़ते हैं, प्लिंथ आपको अभी बताया, प्लिंथ क्या होता है, ग्राउंड लेवल और जो हमारा फ्लोर होता है उनके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लिंथ। प्लिंथ की जो हाइट होती है दोस्तों 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और ये प्लिंथ हम यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों, हम नीचे से मॉइस्चर ना आ पाए, नीचे जो हमारा फ्लड लेवल है ग्राउंड लेवल को थोड़ा ऊपर रखने के लिए हम प्लिंथ का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर, सुपर स्ट्रक्चर जो हमारा है, सुपर स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं, जो भी हमारी वॉल्स हैं दोस्तों जो चारों तरफ से घेर रही हैं हमारे घर को, जो हमारा एरिया है जो घर का उसको चारों तरफ से जो घेर रही हैं वो क्या काम, कौन काम कर रहा है, वो दीवारें काम कर रही है। तो जनरली वॉल्स आर यूज्ड टू इनक्लोज एंड डिवाइड द फ्लोर स्पेस। उसके बाद बात करें लोड बियरिंग वॉल्स शुड बी स्ट्रिंग इनफ स्ट्रांग इनफ टू टेक इट्स ओन वेट सुपर इम्पोज्ड वेट एंड लेटरल प्रेशर ऑफ विंड। अब दोस्तों दीवार होगी तो दीवार के ऊपर खुद का वेट भी लगेगा, ऊपर से स्लैब का वेट आ रहा है वो भी लगेगा, स्लैब के ऊपर कोई वेट है अगर हम खुद खड़े हैं या फिर हमारे बिल्डिंग जो भी हमारा बिल्डिंग के पार्ट्स हैं वो हैं, या फिर अगर बात करें फर्नीचर की बात करें वो है, तो ये सब जो लोड आएगा दीवार के ऊपर अगर वो लोड बियरिंग वॉल है तो वो उन सबको रेजिस्ट करनी चाहिए। सिंपल टर्म है। They should provide stability, weather resistance, fire resistance, heat, insulation, privacy and security. सारे important points हैं दोस्तों, privacy भी रहनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हमारा शीशे का महल होता है तो हमारे घर के अंदर हमें privacy भी चाहिए, तो privacy का काम भी करना चाहिए, security का भी कि बाहर से कोई आके जो चोर चक्के हैं वो परेशान ना करें हमें, heat और जो हमारे fire resistance provide करना चाहिए हमें।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बेसमेंट ग्राउंड एंड अपर फ्लोर्स की। कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे बिल्डिंग के। तो जो चौथा कंपोनेंट आता है वो आता है बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर एंड अपर फ्लोर। बेसमेंट किसको बोलते हैं, जो भी हमारे ग्राउंड लेवल से नीचे का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जो हमने जो फ्लोर अगर बनाया है कोई ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया तो बेसमेंट बोलते हैं। ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर वाला जो होगा उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। उससे ऊपर जो जो स्ट्रक्चर आ जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से बात करते हैं। अगर हम सिर्फ बात करें फ्लोर की, जो हमारा फ्लोर होता है, फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नीचे नीचे क्या था, फाउंडेशन था। अब दोस्तों बात करें अगर फ्लोर की, तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे नीचे हमारे पास क्या था, फाउंडेशन थी। सबसे नीचे क्या आया, फाउंडेशन आई। फाउंडेशन के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे ग्राउंड लेवल आ गया। ग्राउंड लेवल के बाद हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे प्लिंथ आई थी। फिर प्लिंथ के ऊपर क्या था, फ्लोर था दोस्तों हमारा। अभी तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं, फ्लोर तक पहुंचे हैं। तो फ्लोर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फिर से जो हमारा है फ्लोर है वो दो प्रकार से डिवाइड हो जाता है। किस दो से, एक सब फ्लोर होता है, एक फ्लोरिंग होती है। जो सब फ्लोर होता है वो हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ऊपर इसके जो भी लोड लगेगा उसको जो कैरी करने का काम करेगा वो कौन काम करेगा, सब फ्लोर करेगा। तो सब फ्लोर की बात करें, इट इम्पार्ट्स क्या करता है, ये स्ट्रेंथ मिलाता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है हमारे फ्लोर को। जो भी ऊपर से इसके लोड लगेगा फ्लोर के ऊपर, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सब फ्लोर काम करता है। कौन सा फ्लोर काम करता है, सब फ्लोर। उसके बाद आती है दोस्तों इसकी फिनिशिंग, जो हम टाइल्स वगैरह यूज करके करते हैं, तो वो फिनिशिंग क्या करती है, ऊपर से जो भी स्क्रैच होगा उससे हमारी प्रोटेक्शन करेगी। जो टेम्परेचर चेंज, जो वाटर की वजह से जो भी हमारे उसके ऊपर इफेक्ट्स आएंगे उनकी, उनको रिड्यूस करेगी, प्रोटेक्ट करेगी हमें। वो कौन सी होगी, जो फिनिशिंग होगी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग आपको पता है, जो हमें एक्चुअल में जो हमारा फ्लोर दिखता है, जो फर्श दिखता है एक्चुअल में, वो क्या होता है, टाइल्स लगी होती हैं उसके ऊपर या मार्बल लगा होता है। तो वो क्या करते हैं, हमें फिनिशिंग प्रोवाइड करता है, दिखने में अच्छा लगता है, स्मूथ होता है, क्लीनिंग पर्पस से यूज होता है। जो भी स्क्रैचिंग वगैरह, एब्रेजन जिसको हम बोलते हैं, वियर एंड टियर, जो हमारी टूट फूट होती है उसको बचाता है ये। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की और, कंपोनेंट्स में अभी तक हम कहां पहुंचे हैं। अगर मैं बिल्डिंग को सामने से देखूं तो मुझे क्या क्या दिखेगा, अभी आशीष सर आपको दिखाएंगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर। अगर मैं सामने से देखूं तो सबसे नीचे आप देखिए दोस्तों, सबसे नीचे पीसीसी, जो हमने बात की थी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट हम यूज़ कर लेते हैं फाउंडेशन फुटिंग से नीचे। फिर उसके बाद आ गई फुटिंग, फिर ग्राउंड लेवल, फिर हमने किया फ्लोरिंग। ग्राउंड लेवल और फ्लोरिंग के बीच में आ गई प्रिंथ। फिर आता है दोस्तों डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। डीपीसी हम क्यों लगाते हैं, डीपीसी हम लगाते हैं ताकि अगर फुटिंग के लेवल पे या ग्राउंड पे नीचे मॉइस्चर कंटेंट है, तो वो मॉइस्चर जो है, जो पानी जो है, वो हमारे ऊपर के स्ट्रक्चर में ना जा पाए, इसीलिए हम डीपीसी का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। फिर देख सकते हैं दोस्तों ब्रिक वॉल आ गई। ब्रिक वॉल के बाद आती है विंडो सिल, जहां से विंडो शुरू हुई है, विंडो का जहां फ्रेम शुरू हुआ है वहां पे क्या होती है दोस्तों, विंडो सिल होती है, उसकी भी बात करेंगे हम आगे। उसके बाद आता है दोस्तों विंडो आ गई हमारी। विंडो के बाद क्या आता है, विंडो के ऊपर आता है लिंटेल और छज्जा। छज्जा लगाएंगे लिंटेल के साथ, क्यों लगाते हैं दोस्तों, ताकि छज्जा तो हमें क्या करता है, धूप से, पानी से, इन सब से प्रोटेक्शन करता है। लिंटेल क्या करता है, जो ऊपर का वेट आ रहा है ना, जो भी चाहे दीवार का है, उससे ऊपर स्लैब है, उस वेट को जो विंडो वाला पार्ट है उससे प्रोटेक्शन करता है, ताकि उस लोड को वो कैरी कर पाए। तो ये हमारा लिंटेल काम करता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी सीलिंग स्लैब आ गई। सीलिंग जो हमें सामने से दिखती है, जो हम घर के अंदर रूम के अंदर खड़े होकर सामने देखते हैं, वो होती है सीलिंग। उससे ऊपर आती है स्लैब हमारी, और स्लैब के ऊपर पैरापेट वॉल, जो बाउंड्री वॉल हम यूज करते हैं छत के ऊपर, वो होती है। और उस बाउंड्री वॉल के ऊपर शाम के टाइम हम खड़े होकर आराम से चाय का मग रखते हैं, जिसके ऊपर उसको बोलते हैं कॉपिंग। ठीक है, तो ये बात तो गई दोस्तों हमारी ओवरऑल स्ट्रक्चर की, नीचे से लेके ऊपर की अगर हम बात करें। सामने आपको डोर्स दिख रहे हैं, विंडो दिख रही है। इसके अलावा सब स्ट्रक्चर किसको बोला, फाउंडेशन के लेवल पे जो है उसको सब स्ट्रक्चर बोला हमने। सुपर स्ट्रक्चर जो भी ग्राउंड लेवल से ऊपर है वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड की और बात करते हैं दोस्तों। अभी तक हमने इतना पढ़ा, चार कंपोनेंट्स के अंदर हमने ये पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों सिल्स, लिंटल्स एंड वेदर शेड्स की ओर। डायग्राम देखिए आप दोस्तों, डायग्राम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं लिंटेल क्या है, विंडो सिल क्या है, और शेड या छज्जा क्या है। अब देखते हैं दोस्तों,
आपको एक बार मैं बोर्ड पे भी बता देता हूँ ये चीज, आप अगर डायग्राम के अंदर देखें, डायग्राम के अंदर क्या लिंटेल क्या कर रही है हमारी, अगर ये मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर लगी हुई है विंडो, सामने से मैं देख रहा हूँ ये मेरा घर है, इस घर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे विंडो है, तो इस विंडो के ऊपर जो यहाँ पे वॉल है, वॉल के ऊपर ये जो हमारी स्लैब है, बीम है, इन सब का वेट तो आएगा डेफिनेटली। तो अगर मैंने यहाँ पे विंडो बना दी तो इस जगह लोड कैसे टिक पाएगा, तो वो कैसे टिकता है, यहाँ पे हम बनाते हैं लिंटेल। तो ये जो लिंटेल है, विंडो से ऊपर का जो भी लोड होता है उसको कैरी करती है लिंटेल हमारी। विंडो सिल की बात करूं दोस्तों, तो विंडो सिल कहाँ प्रेजेंट होती है, जहां से विंडो जस्ट शुरू हुई है यहां पे प्रेजेंट होती है विंडो सिल हमारी। और लिंटेल के साथ साथ ही हम छज्जा प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से छज्जा बोलते हैं या फिर इसको वेदर शेड बोल देते हैं, जब भी बारिश आएगी, धूप आएगी, तो उससे हमारी विंडो को ये डायरेक्टली प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये तीन बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों, आप अच्छे से जानते भी हैं, बस इनके नाम से वाकिफ हो जाइए, लिंटेल क्या काम करता है, हमारा विंडो सील कहाँ प्रेजेंट होता है, और जो हमारे वेदर शेड्स हैं वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की ओर, स्पीड थोड़ा सा कम करें, ठीक है, धीरे धीरे बोलते हैं दोस्तों। सिंपल चीज़ें हैं। सिल क्या होती है, हमारी जहाँ पे विंडो शुरू हुई वहाँ पे उस लेवल को हम क्या बोल देते हैं, सिल बोल देते हैं। विंडो के ऊपर टॉप पे जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, जो ये लोड कैरी करेगा, उसको बोलते हैं लिंटेल। लिंटेल का काम क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए लिंटेल का पर्पज़ क्या होता है, विंडो से ऊपर जो दीवार है उसका लोड कैरी करने में ये लिंटेल हेल्प करती है हमें, सिंपल सी टर्म। वेदर शेड या छज्जा आप इमेज में भी देख सकते हैं, छज्जा क्या काम करता है हमारे घर में, बाहर से ऊपर से धूप आ रही है उससे प्रोटेक्ट करेगा हमें, बारिश आ रही है तो डायरेक्टली विंडो के ऊपर या विंडो के अंदर पानी नहीं जाएगा, उससे प्रोटेक्ट कर देता है, सिंपल कंपोनेंट। बढ़ते हैं दोस्तों सिक्स कंपोनेंट की ओर, अगला कंपोनेंट है हमारा रूफ, रूफ की ओर बढ़ेंगे, स्लाइड नंबर 19। रूफ की और बात करते हैं दोस्तों, रूफ के अंदर अगर हमसे दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप डायग्राम है, डायग्राम से नहीं घबराना है आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए डायरेक्टली आपको डायग्राम दिखा दिया, आपको डायग्राम देख के इजीली समझ आ जाएगा, बजाय कि आपको लाइंस में क्वेश्चंस दिए होते हैं कि रिज क्या है हमारी, स्लोपिंग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। अब आप सिंपल टर्म्स में समझ के देखिए, डायग्राम में जो हमारे स्लोपिंग कॉम्पोनेंट दिख रहे हैं जिनको हम राफ्टर बोलते हैं, ठीक है, दो राफ्टर्स को जो ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे दो राफ्टर्स मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, रिज बोल देते हैं, ठीक है। जॉइस्ट क्या है, जॉइस्ट हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि दो राफ्टर्स को ज्वाइन कर रहा है, या जो वर्टिकल जो सपोर्ट्स होंगी, कॉलम्स होंगी, उनको ज्वाइन करता है। बोल्ट्स क्या काम कर रहे हैं, फास्टनिंग का काम कर रहे हैं, जोड़ का काम कर रहे हैं दोस्तों। वॉल्स हैं इसी तरीके से। तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं, रिज हो गया, राफ्टर हो गया, जॉइस्ट हो गया, ये तीनों पूछी जाती हैं दोस्तों, इनके बारे में भी बात करेंगे हम। रूफ की बात करते हैं फिलहाल, रूफ क्या होता है हमारा, इट इज़ द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ बिल्डिंग, सबसे ऊपर का पोर्शन है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें बारिश से, धूप से, स्नो से, विंड से, फ्रोस्ट से, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद दो प्रकार के इसके अंदर रूफ जो हैं वो दो तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, जैसे हमने फ्लोर को डिवाइड किया था। रूफ को कैसे डिवाइड कर दिया, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो कि सपोर्ट करता है कवरिंग को, यानी कि जो लोड को कैरी करेगा, और उसके बाद हम कवर कर देते हैं, प्रोवाइडेड ऑन रूफ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सन, रेन एंड फ्रोस्ट। तो रूफ डेकिंग क्या करता है, जो लोड बियर करने का काम रूफ डेकिंग कर लेता है, जो ऊपर ऊपर की लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है, जो पानी से, धूप से, हवा से, इन सब से बचाती है, वो रूफ कवरिंग हो जाती है, सिंपल सी टर्म्स। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो टर्म्स आपको दी हुई हैं इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। रिज किसको बोलते हैं, रिज हमारी क्या होती है दोस्तों, इट इज़ द पीक वेयर टू अपोजिंग रूफ प्लेन्स मीट। आप इमेज में भी देख सकते हैं जो दोनों साइड स्लाइड करते हुए राफ्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, आके रिज पे मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि जो दो अपोजिंग रूफ प्लेन्स, अपोजिंग मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिंग रूफ जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोल दिया हमने, रिज। क्या बोलते हैं उसको, रिज। अभी अभी बोल के देखिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम, रिज ऑफ अ रूफ इज पीक वेयर अपोजिट प्लेन्स मीट। जॉइस्ट की बात करें तो जॉइस्ट हमारा क्या करता है, जॉइस्ट इज बीम्स रनिंग परपेंडिकुलर टू द रिज और गैबल रूफ जो हमारी होती है। गैबल रूफ किसको बोलते हैं, ये भी आगे बात करेंगे। जो झोंपड़ी की शेप की जो रूफ होती है वो गैबल रूफ होती है हमारी, एंड जॉइंट टू द इंटरमीडिएट पोस्ट, जो दो दीवारें होंगी, पोस्ट होंगी, उनको जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं जॉइस्ट बोलते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों बात करते हैं टू रूफ टाइप्स की। क्वेश्चंस जो आते हैं, अब तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमें इन डेप्थ इतना डेप्थ में नहीं जाना है दोस्तों। फैसिया, सॉफिट, इन सब की बात इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती। जो मेन मेन पॉइंट्स है दोस्तों वो हमसे पूछे जाते हैं। राफ्टर आपको बता दिया, इंक्लाइंड जो मेंबर्स होते हैं वो राफ्टर होते हैं हमारे। दोनों राफ्टर जहां पे मिलेंगे वो रिज होती है। जॉइस्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। रूफ टाइप्स की बात करते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चार इंपॉर्टेंट रूफ टाइप्स आपको जस्ट सामने दिख रहे हैं अभी। रूफ टाइप में सबसे पहले डॉर्मर, डॉर्मर का बात आ जाए ना जहां पे भी तो आपको समझ लेना है। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों दिक्कत पता है कहां आती है, जो हमारी ये थियोरिटिकल कंटेंट है इसमें दिक्कत आती है शब्दावली में। वर्ड्स ऐसे दिए होते हैं हमें समझ नहीं आता है, याद नहीं आता है क्या होता है, लेकिन अगर हमने फोटो देख रखी होती है, इमेज देख रखी होती है तो हमें अच्छे से याद रहता है। डॉर्मर के अंदर आपको देखिए दोस्तों, जो हमारी स्लोपिंग पार्ट है, जहां पे स्लोप बन रहा है रूफ के ऊपर, वहां एक विंडो दिखाई दे रही है हमें, तो डॉर्मर क्या हो जाता है, ऐसी रूफ जहां पे विंडो होती है। डॉर्मर इज अ रूफ स्ट्रक्चर ऑफन कंटेनिंग अ विंडो दैट प्रोजेक्ट्स वर्टिकली बियॉन्ड द प्लेन ऑफ अ पिच रूफ। ठीक है दोस्तों, तो डॉर्मर कहाँ पे आ जाता है, हमारा रूफ के जो हमारी छत है, जो स्लोपिंग वे में हमारी छत है उसके ऊपर जो विंडो प्रोवाइडेड है, ऐसी रूफ को हम क्या बोलते हैं, डॉर्मर रूफ। गैम्बलर की बात आती है दोस्तों, तो गैम्बरल और जो हमारा मनसार्ड है, गैम्बलर और मनसार्ड सेम सेम दिखती है, अंतर कहाँ आ जाता है, इन दोनों के अंदर ही हमें फंसाने के लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ऐसी रूफ कौन सी है जिसमें दो साइड में स्लोप्स बनते हैं, तो जिसमें दो साइड में बनते हैं वो गैम्बरल होती है, चारों साइड में स्लोप अगर बने तो हमारी मनसार्ड होती है। तो अ रूफ विच हैज विच इज यूजुअली सिमेट्रिकल टू साइडेड रूफ विद टू स्लोप्स ऑन ईच साइड। दो बार आप इमेज के अंदर देखिए दोस्तों, जो स्लोप बन रहा है, पहले स्लोप बना फिर और ज्यादा स्लोपिंग हो गया, वो तो दो बार स्लोप बन रहा है और दो साइड में बन रहा है, तो ऐसी रूफ को क्या बोलते हैं, गैम्बरल रूफ। और मनसार्ड रूफ के अंदर क्या होता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं कि चारों साइड स्लोप बन रहा है और दो बार बन रहा है बिल्डिंग के अंदर हमारी, तो ऐसे को क्या बोल देते हैं, मनसार्ड। अ हिप रूफ, हिप रूफ बोलते हैं या हिप रूफ बोल देते हैं, कैसी रूफ है, जहां पे ऑल साइड्स स्लोप डाउनवर्ड्स टू द वॉल्स, यूजुअली अ फेयरली जेंटल स्लोप, ऐसी रूफ को क्या बोल देते हैं, हिप रूफ बोल देते हैं। मनसार्ड और गैम्बरल के अंदर आप याद रखेंगे दोस्तों, मैं एक बार आपको बोर्ड पे भी बना के दिखा देता हूं कि जो हमारा स्लोप है वो कैसे बन रहा है, दो बार चेंज हो रहा है। अगर ये हमारी दीवार है तो पहले स्लोप ऐसे आया फिर से चेंज हुआ, तो इन दोनों के अंदर दो स्लोप बनते हैं, टू स्लोप्स बनते हैं, और इन दोनों स्लोप्स के अंदर अगर हमारा स्लोप जो है वो दो बार बना है, दो डायरेक्शन में, दो साइड्स में बना है, सिर्फ अपोजिट साइड्स में ही बना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैम्बरल बोलते हैं। अगर सिर्फ दो साइड में ही बना है तो हमारी उसको उस टाइप की जो रूफ होती है हम उसको गैम्बरल बोलते हैं, चारों साइड में अगर वो बना है तो उसको बोलते हैं हम मनसार्ड बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की ओर। इसके अंदर भी आपको देख रखा है दोस्तों, ओपन गैबल कौन सी होती है, क्लासिक मोस्ट कॉमनली अकरिंग रूफ शेप इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद कोल्ड और टेम्परेचर क्लाइमेट्स। दो रूफ सेक्शंस होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओपन गैबल बोलते हैं। गैबल रूफ हमारी कौन सी होती है, बचपन में जो सीनरी बनाते थे हम, जिसके अंदर जो झोंपड़ी बनाते थे उसके ऊपर कैसी रूफ थी, गैबल रूफ थी, इससे आप याद रख सकते हैं। फिर कुछ सिंपल टर्म्स जो हमें अच्छे से पता ही है, जिनसे हम अच्छे से वाकिफ हैं, फ्लैट रूफ आपको पता है सबको, शेड जो होता है इससे भी आप वाकिफ हैं, हेक्सागोनल गजीबो, शादियों में आपने देखा होगा दोस्तों सिटिंग के लिए ऐसी चीज़ बनाते हैं, बीच में सोफे लगा देते हैं, ऊपर एक गजीबा बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं गजीबा। टेंट वाले को हम क्या बोलते हैं कि भैया गजीबा बनाना आप सिटिंग के लिए, तो गजीबो किसको बोलते हैं, हेक्सागोनल शेप में होता है इसी को गजीबो बोलते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है दोस्तों, मिक्सचर आ जाता है, हिप का भी आ जाता है, फ्लैट का आ जाता है, गैब्रल हो जाता है, अलग अलग स्लोप की वे में कर देते हैं, तो कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन मिलता है हमें दोस्तों। अगले कॉम्पोनेंट, एट्थ कॉम्पोनेंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एट्थ कॉम्पोनेंट है हमारा स्टेयर्स, डी वाटरिंग, कॉफर डैम्स बात करेंगे तपेंदु जी, आगे बात करेंगे, अभी टॉपिक आने तो दो। सेकंड वाला समझ नहीं आया, सेकंड गैम्बरल रूफ आपको बताया ना दोस्तों अभी बोर्ड पे, गैम्बरल रूफ दो साइड्स में होती हैं और दो बार स्लोप बनता है उनके अंदर, आप इमेज देखिए, इमेज देखते ही आपको समझ आ जाएगा, दो बार स्लोप दिख रहा है आपको। अब दोस्तों बात करते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स में, स्टेयर्स लिफ्ट्स की बात करते हैं। स्टेयर और लिफ्ट इन सब का क्या पर्पस होता है दोस्तों, ये हमें एक हाइट से दूसरी हाइट पे ले जाते हैं सिंपली, तो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन हुआ, क्या हुआ, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, एक हाइट से दूसरी हाइट पे हमें लेके जा रही है, तो दीज आर मीन्स ऑफ वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन।
स्टेयर जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब स्टेयर के अंदर ही दोस्तों क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे। स्टेयर की अगर आप डायग्राम देखें तो आपको दिख रहा है हैंडरेल दिख रही है जिसके ऊपर हम हाथ रख के चलते हैं। न्यूवेल पोस्ट क्या करता है, जो हैंडरेल बनी हुई है हमारी, हैंडरेल को जो स्ट्रिंगर है हमारा, जिसके ऊपर जो हमारे जो स्टेप्स हैं वो बने होते हैं, तो स्ट्रिंगर और हैंडरेल को ज्वाइन करता है। न्यूवेल पोस्ट भी बोलते हैं इसको। न्यूवेल पोस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ भी हमारा एक पूरा स्टेयर खत्म होता है वहां पे क्या बोलते हैं उसको, न्यूवेल पोस्ट बोलते हैं। बैल्यूस्टर क्या काम करते हैं, स्ट्रिंगर और हैंडरेल को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर ट्रेड और राइज की बात आ जाती है, तो राइज आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, राइज, यानी कि जो हाइट जो हमारी है उसको क्या बोलते हैं, राइज। हर एक फुटस्टेप की हाइट को राइज बोल दिया हमने। ट्रेड क्या है हमारा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रेड। और डिस्टेंस जो होता है ट्रेड के ऊपर जितना डिस्टेंस होता है उसको गोइंग बोलते हैं। ये तो बातें हो गई बेसिक कंपोनेंट स्टेयर्स की। रैंप दोस्तों, रैंप से आप सब लोग वाकिफ होते हैं, हम घर के बाहर रैंप बनाते हैं। रैंप क्यों बनाते हैं, स्लोपिंग सरफेस होता है हमारी गाड़ी, हमारा जो व्हीकल है उसको एक हाइट पे ले जाने के लिए हम रैंप का प्रयोग करते हैं। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होती हैं दोस्तों, उनके अंदर रैंप कंपलसरी होता है, ताकि जो हमारे डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग जो होते हैं हमारे, वो हम अपनी जो व्हील चेयर है उसके साथ भी वहाँ पे चढ़ पाएं। तो जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर रैंप्स हर जगह मैंडेटरी होते हैं। रैंप्स नहीं होंगे तो लिफ्ट्स होंगी एटलीस्ट, ताकि वो कन्वीनियंट रहें, जो लोग स्टेयर पे नहीं चढ़ पाते हैं वो इजीली जा पाएं। एस्केलेटर्स की बात करें दोस्तों, एस्केलेटर्स आपने बहुत देखे होंगे मॉल के अंदर, जब भी आप घूमने जाते हैं, मेट्रोज में आप जब भी जाते हैं, तो जो अपने आप स्वचालित सीढ़ियाँ होती है, जो अपने आप चल रही होती हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्केलेटर्स। आप सबने देखी होगी, बस नाम कभी नहीं सुना होगा, या आप अच्छे से मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। तो एस्केलेटर्स आपको पता है दोस्तों, बिल्कुल नोजिंग भी होती है ट्रेड में दोस्तों, नोजिंग होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हैंडरेल, आपको यही सारी चीज़ें वर्ड्स में लिखी हुई है। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हैंडरेल किसको बोलते हैं हम, हैंडरेल क्या होती है, इट इज़ अ रेल दैट इज डिजाइन टू बी ग्रास्प बाय हैंड, हाथ से पकड़ने के लिए, ताकि हम स्टेबली नीचे उतर पाएं, ऊपर चढ़ पाएं, हम गिरे ना। न्यूवेल पोस्ट क्या है, वर्टिकल मेंबर, न्यूवेल पोस्ट क्या है, वर्टिकल मेंबर प्लेस्ड एट एंड ऑफ द फ्लाइट्स टू कनेक्ट एंड ऑफ स्ट्रिंग्स। एक जो दोस्तों हमारी बिल्ड, जो स्टेयर शुरू होके जहां तक हम सीढ़ियों पे पैर रखते जाते हैं जहां जाके खत्म हो जाती है उसको एक फ्लाइट बोल देते हैं पूरा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे भी बात करेंगे हम, जो टाइप्स ऑफ स्टेयर्स की बात करेंगे कि अलग अलग फ्लाइट्स आती हैं, तो एक फ्लाइट के अंदर जो हमारे सपोर्ट करता है वो क्या करता है, न्यूवेल पोस्ट सपोर्ट करता है एंड्स पे। स्टेयर ट्रेड की बात करें, हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेयर्स ऑन विच अ पर्सन वॉक्स, जहां पे हम चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। राइजर किसको बोलते हैं, वर्टिकल एलिमेंट जो होता है उसको बोलते हैं राइजर। स्टेयर स्ट्रिंगर क्या होता है, हाउसिंग ऑन इधर साइड ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर इन टू विच द ट्रेड्स एंड राइजर्स आर फिक्स, जिसके ऊपर हमारे राइजर और ट्रेड्स फिक्स्ड होते हैं उसको हम स्ट्रिंगर बोलते हैं। बैल्यूस्टर क्या करता है, हैंडरेल और स्ट्रिंगर को ज्वाइन करता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस में आपको अगर हाइट दे रखी होती है टोटल बिल्डिंग की, आपको जो हमारे फ्लोर की हाइट दे देते हैं, नंबर ऑफ राइजर्स पूछ लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ राइजर्स कितने आएंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राइजर्स। नंबर ऑफ ट्रेड्स निकालने हो हमें, तो जितने नंबर ऑफ राइजर्स आते हैं उनमें से एक माइनस कर लेते हैं, तो सिंपल सी टर्म्स है। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेयर्स की। टाइप्स ऑफ स्टेयर से कई कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हमसे कि हाँ क्वार्टर टर्न स्टेयर कौन सी होती है, हाफ टर्न स्टेयर्स कौन सी होती है, तो हमें इतना इन डेप्थ नहीं पूछता है दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल पूछ लेता है उसके अंदर कि किसमें कितना एंगल बनता है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो स्ट्रेट स्टेयर, स्टेयर स्ट्रेट हैं, तो जो पहली इमेज आपको दिख रही थी वो स्ट्रेट स्टेयर थी, सिंगल स्पैन में जा रही है हमारी, सिंगल फ्लाइट में जा रही है। सिंगल फ्लाइट मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे आ गई वो। टर्निंग स्टेयर्स की बात करें दोस्तों, क्वार्टर टर्न होता है इसके अंदर, पहला टाइप जो होता है वो होता है क्वार्टर टर्न स्टेयर्स। क्वार्टर टर्न स्टेयर्स में जो आपको एंगल याद रखना है, एक राइट एंगल बनता है। इमेज के अंदर भी आप देख सकते हैं, एक फ्लाइट गई, फिर राइट एंगल लिया और फिर दूसरी फ्लाइट, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो स्टेयर है, अगर उसमें एक एंगल बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर टर्न स्टेयर बोलते हैं। हाफ टर्न स्टेयर कौन सी होती है दोस्तों, हाफ टर्न में क्या होता है, या तो मैं ये बोल दूंगी 180 डिग्री बन जाता है एंगल, दोनों जो फ्लाइट्स होती हैं, दो फ्लाइट, एक बार आप बोर्ड पे देखिए, फ्लाइट समझिए फ्लाइट क्या है हमारी,
सिंपल सी टर्म, फ्लाइट कुछ नहीं, हमने यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ना शुरू किया, ये हमारा ग्राउंड लेवल, ये हमारी रूफ है जहाँ पे हमें जाना है, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, स्टेयर्स बनाई, यहाँ पे आके मैंने रेस्ट ले लिया, इसको बोलते हैं लैंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? लैंडिंग, जहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है लैंडिंग, और फिर से मैंने यहाँ पे और ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू किया। तो ये दोस्तों क्या हो गया हमारा, ये पहली फ्लाइट हो गई, ये दूसरी फ्लाइट हो गई, ये बीच में क्या आ गई, लैंडिंग आ गई। तो दोस्तों आप इसके अंदर देख सकते हैं, फिर से हम स्लाइड की ओर चलते हैं, अगर हम बात करें दोस्तों क्वार्टर टर्न की, तो क्वार्टर टर्न के अंदर आप देख सकते हैं एक बार फर्स्ट फ्लाइट के बाद एक बार राइट डिग्री पे जो हमारी स्टेयर है वो टर्न हुई, और उसके बाद फिर से ऊपर चली गई। इसी में बाइफरकेटेड आ जाता है। बाइफरकेटेड में क्या होता है दोस्तों, दोनों तरफ जो हमारी स्टेयर्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, लेफ्ट में भी चली जाती है, राइट में भी। जनरली हम घरों में बाइफरकेटेड नहीं बनाते हैं, ज़्यादा स्पेस कैरी करती है वो। पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर आपने देखा होगा, जहाँ पे भी अपार्टमेंट्स हैं, मॉल्स हैं, जहाँ पे वहाँ पे ही बनी होती है, तो अगर दोनों साइड्स पे हमें जाना होता है तो वहाँ पे हम बाइफरकेटेड यूज कर लेते हैं। हाफ टर्न स्टेयर और क्वार्टर में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अंतर याद रखना है आपको कि कितने 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। हाफ टर्न में कितने बनते हैं? दो बनते हैं। क्वार्टर में कितना बनता है? एक बनता है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डॉग लेग्ड के अंदर क्या डिफरेंस है और ओपन न्यूएल में क्या डिफरेंस है? इतना सा ही डिफरेंस है दोस्तों डॉग लेग में और ओपन न्यूएल के अंदर, कि डॉग लेग के अंदर दोनों फ्लाइट्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारी ओपन न्यूएल है उसके अंदर बीच में डिस्टेंस होता है दोनों में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या डिफरेंस हो गया बेसिक, डॉग लेग के अंदर और ओपन न्यूएल के अंदर। याद रखने वाली बात क्या है हाफ टर्न स्टेयर के अंदर, कि टर्न थ्रू टू राइट एंगल्स, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में आपको इमेज के अंदर एक वाइंडर भी दिख रहा है, वाइंडर दोस्तों एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, जो टेपर्ड सेक्शन होता है सीढ़ियों का, टेपर्ड सेक्शन यानी कि सीढ़ियां जो आपको दिख रही है ट्रायंगुलर शेप में या ट्रेपेजियम शेप के अंदर जो होती है उनको हम वाइंडर बोलते हैं। राइट मोस्ट इमेज अगर आप देखेंगे ओपन न्यूएल में, सबसे राइट वाली जो बनी हुई है, उसके अंदर क्या है, तीन, जो हमारी पहली हमने फ्लाइट ली फिर लैंडिंग आ गई, फिर दूसरी फ्लाइट ली फिर लैंडिंग आ गई, तीसरी फ्लाइट ली, तो इस तरीके से ये जो हमारी है न्यूएल स्टेज हो जाती है, बीच में स्पेस होता है, डॉग लेग में स्पेस नहीं होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली की ओर, जो आप कमेंट कर रहे हैं स्पाइरल एंड ज्योमेट्रिकल। स्पाइरल में आप देख सकते हैं दोस्तों, स्पाइरल शेप के अंदर होता है, एक सेंट्रल कोर होता है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्पाइरल के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों सेंट्रल कोर होता है, उसी के बेसिस पे स्पाइरल शेप में हमारी स्टेयर्स होती हैं। इसके अंदर कोई भी हमें रेस्ट करने का लिए नहीं मिलता है, हमें कंटिन्यूअसली ऊपर चढ़ना पड़ता है, कोई लैंडिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है। ऊपर से अगर मैं देखूं तो सर्कुलर शेप में दिखती है, सामने से अगर देखूंगा इसको यानी कि एलिवेशन में देखूंगा तो हमें स्पाइरल वे में ये दिखती हैं। ज्योमेट्रिकल स्टेयर जो होती हैं दोस्तों, जहां भी हमें डिजाइनिंग बनानी होती है, अच्छे से हमारी हम रिक्वायर्ड शेप लेनी होती है, वहां हम ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स का प्रयोग करते हैं। आराम से चलना है, बिल्कुल ठीक है, आराम से चलते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आराम से चलते हैं। अगली स्लाइड देखिए, बिल्डिंग कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बिल्डिंग कंपोनेंट्स में जो हमारा लास्ट कंपोनेंट आता है वो आता है फिनिशेस, ठीक है। फिनिश का मतलब आप समझ सकते हैं कि हम बिल्डिंग को कैसा, किस प्रकार से एक अंतिम टच देना चाह रहे हैं, फिनिश करना चाह रहे हैं। फिनिशिंग में दोस्तों क्या क्या आता है, प्लास्टरिंग आती है। प्लास्टरिंग हम कैसे करते हैं दोस्तों, प्लास्टरिंग आपने देखा होगा कि हमारी दीवार बन गई अगर, या छत बन गई, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, जो हमारा सीमेंट का प्लास्टर लो यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? अनइवननेस, अच्छे से वो उसको प्लेन हो जाए, एक अच्छा सरफेस, प्लेन सरफेस हमें मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टरिंग। थिन प्लास्टिक कवरिंग, प्लास्टिक का मतलब यहाँ पे उस प्लास्टिक से नहीं है जो हमने कल पढ़ा था, प्लास्टिक का मतलब यहाँ से है कि एक जो अच्छी शेप में अंदर जो हमारी सीमेंट का जो पेस्ट है, जो मोर्टार हमारा है, अच्छी शेप में आ जाए और उसको हम उसके ऊपर अप्लाई कर पाएं तो वो प्लास्टिक हो जाता है। तो प्लास्टिक कवरिंग अप्लाई कर देते हैं वॉल्स और सीलिंग्स के ऊपर अनइवननेस को हटाने के लिए, एक प्लेन अच्छा स्मूथ सरफेस लाने के लिए। फिर बात करें दोस्तों पॉइंटिंग की, बात करते हैं पॉइंटिंग क्या होता है हमारा, मोर्टार को भरते हैं हम जॉइंट्स के अंदर, ब्रिक मैशनरी के अंदर हमने मोर्टार को भरते हैं दोस्तों अप टू अ डेप्थ ऑफ 20 mm। एक बार आप बोर्ड पे देखेंगे, अगर मैं मैशनरी स्ट्रक्चर की बात करूं ब्रिक मैशनरी की,
तो इस तरीके से मेरा ब्रिक मैशनरी स्ट्रक्चर अगर है मेरे पास, तो इनके बीच में मैं रेकिंग करता हूँ। रेकिंग का मतलब यहाँ से जो पहले मोर्टार है उसको हटाएंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंटिंग करेंगे, अच्छी क्वालिटी का मोर्टार इसके अंदर फिलअप करेंगे इन जॉइंट्स के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉइंटिंग बोलते हैं। बढ़ते हैं स्लाइड की और फिर से पेंटिंग की बात करते हैं। पेंटिंग, वार्निशेज और जो हमारी पॉलिशिंग है, ये हमने किसमें बात की थी दोस्तों, डोर्स, विंडोज, कबर्ड, जो भी वुडन स्ट्रक्चर जो हमारा होता है हमने उसके अंदर वार्निशिंग की बात की थी। वार्निश क्या करता है दोस्तों, एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर लगा देता है जो कि उस स्ट्रक्चर को और ज्यादा निखार के हमें उभरता है, प्रोटेक्शन भी देता है, प्लस एक अच्छी अपीयरेंस भी हमें देता है। तो ये हमारे क्या हो गया, पेंट करना, उसको वार्निश करना, पॉलिशिंग करना, ये सब क्या है, हमारे बिल्डिंग कॉम्पोनेंट के फिनिशिंग का पार्ट है, हम उसको फिनिशिंग दे रहे हैं। फिर फ्लोरिंग की बात आती है दोस्तों, तो कोई भी सरफेस है, कोई भी हमारा जो स्लैब है उसके ऊपर हम रेस्ट कर रहे हैं, किसी भी फ्लोर के ऊपर हम खड़े हैं, तो वहाँ पे जो फिनिशिंग प्रोवाइड करेंगे हम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरिंग बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें होगी, जनरल बातें कंपोनेंट्स के बारे में। कुछ कुछ बातें हम और डेप्थ में भी करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो आएंगे उसके अंदर हम इन डेप्थ भी जाएंगे उनके। और अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। लास्ट महत्वपूर्ण जो सिर्फ फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्या क्या हमारे सिलेबस के अंदर हैं। बिना सिलेबस को जाने दोस्तों हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, हमें सब चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलनी होती हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चले जाते हैं, वो डेप्थ हमारे नॉलेज में ज़रूर आएगा, नॉलेज ज़रूर काम आएगा हमारे कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे पास जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, उनको तो हम कवर करें। एग्ज़ाम के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको कितना ज्ञान है, ये पूछा जाएगा कि हमने जो सिलेबस के अंदर लिख के दिया है दोस्तों उसमें से आपको कितना आता है। तो हमें जो टॉपिक्स के हिसाब से चलना है, हमारे सिलेबस के हिसाब से चलना है, हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। तो आज के टॉपिक के हिसाब से हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स पढ़ी, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्स की बात की दोस्तों, टाइप्स ऑफ जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, लोड बेयरिंग है, कंपोजिट है, फ्रेम स्ट्रक्चर है हमारा, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स की बात की नीचे से लेके ऊपर तक, फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल, जो हमारा फाउंडेशन को हमने क्या बोला, सब स्ट्रक्चर बोला, फिर प्लिंथ लेवल आया हमारा, फ्लोरिंग आया, वॉल्स आई, विंडोज आई, डोर्स आई हमारी, तो इन सब की बात की थी दोस्तों हमने। एक टॉपिक दोस्तों बीच में रह गया था, डोर, डोर की बात कर लेते हैं एक बार। हम डोर की अगर बात करें दोस्तों, बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर डोर आप देख सकते हैं, आपकी इमेज सामने है दोस्तों, डोर के अंदर सबसे ऊपर जो हमारा, अगर फ्रेम की बात करूं, पहले आप इमेज देखिए, इमेज की ओर ध्यान दीजिए दोस्तों, तो इमेज पे अगर आप देखेंगे तो आपको राइट साइड में जो दिख रहा है वो दिख रहा है फ्रेम दोस्तों। अब इसमें सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है। फ्रेम के अंदर हमें जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हिंज। हिंज आपको पता है, जो जो तीन पार्ट आपको दिख रहे हैं हिंज के, जिनके बेसिस पे हमारा डोर रोटेट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हिंज बोलते हैं दोस्तों। टॉप रेल आपको दिख रही है, जो दरवाजा है हमारा, जो हमारा डोर है उसके ऊपर आप देखिए, टॉप रेल दिख रहा है आपको सबसे ऊपर ही ऊपर। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है डोर के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, डोर के अंदर जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टॉप रेल। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्या आते हैं, पैनल्स आते हैं, जो आप देख सकते हैं चार पैनल्स बने हुए हैं इस डोर के अंदर। तो पैनल्स आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पैनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे मुलियन के आसपास, जो फर्स्ट मुलियन लिखा हुआ है ना बीच में, जो वर्टिकल सेक्शन है, जो बीच में मुलियन जिसको बोलते हैं हम, तो जो मुलियन है उसके जो आसपास प्रेजेंट्स होते हैं, ये पैनल्स प्रेजेंट होते हैं, मुलियंस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, या मैं ये बोलूं कि रेलिंग्स के बीच में, रेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो पैनल्स आपको समझ आ गए। फिर आपको पता है लॉक सेट लगता है, हम वाकिफ है इस चीज़ से, लॉक लग जाता है वहाँ पे, बॉटम रेल आ जाती है, जो इंटरमीडिएट या बिटवीन वाली जो लेयर है वो मीडियम लेयर आ जाती है हमारे पास रेल। फिर दोस्तों सेकंड मुलियन आपको दिख सकता है, फर्स्ट मुलियन आया वर्टिकल जो सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे सेकंड मुलियन आ गया हमारा। और क्या आता है दोस्तों, ये जो मुलियन हो गया हमारा, रेलिंग हो गई, हिंज हो गई, लॉक सेट हो गया, फ्रेम हो गया, ये सारे मेन मेन चार पांच पॉइंट हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, इनके बारे में हमसे पूछता है। तो रेलिंग, पैनल, ये तो भूलना ही नहीं है, रेल, पैनल और मुलियन, ये तीन चीज तो आप भूलेंगे ही नहीं। डोर्स हो गई, विंडोज हो गई, वेंटिलेटर्स की बात करें तो रोशनदान जो हमारे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जिनके थ्रू हवा और लाइट दोनों आती हैं, वेंटिलेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपोनेंट था, सिक्स कंपोनेंट बीच में रह गया था दोस्तों। अब फिर से हिंदी बोलें, हिंदी में ही बात कर रहे हैं मेरे दोस्त,
हिंदी में ही चल रहे हैं दोस्तों, हिंदी में ही समझा रहे हैं, और कोशिश करेंगे एक आधी क्लास ऐसे भी लेके आएंगे जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो परेशान होते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की वजह से, उनके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल हिंदी में ही चलते जाएंगे, आने वाला समय ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी तक अपनी इंजीनियरिंग जो हमारा डिप्लोमा है वो आपने अगर हिंदी में कर रखा है दोस्तों, थोड़ा सा आप अपने आप में बदलाव लाने शुरू करिए। एक कदम हम आपकी ओर चलते हैं, हम हिंदी में चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, दूसरा आप अपनी ओर से रखिए, और उल्टा मैं ये कहूँगा आप दो रखिए वहाँ से, क्योंकि बदलाव लाना ज़रूरी है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम आने वाला जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश के साथ चलना पड़ेगा। पहले भी मैं कह चुका हूँ, इंग्लिश कोई एक हवा बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है जो चटर पटर इंग्लिश बोलता है, ज़्यादा कोई तीर नहीं मारता है, वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, आप भी सीख सकते हैं। बात फ़र्क सिर्फ इतना है, अभी हमने शुरू नहीं किया है सीखना, जब आप सीखना शुरू कर देंगे आप भी कर पाएंगे इजीली, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, सॉइल मैकेनिक्स हमने कवर कर लिया है, अब सब्जेक्ट्स की बात आती है, अगला सब्जेक्ट कौन सा शुरू होगा। आप डिप्लोमा स्टूडेंट है सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कोशिश कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की, ताकि आप समझ पाएं एक एक बेसिक से बेसिक बातें आप समझ पाएं। अगले सब्जेक्ट की दोस्तों बात करते हैं, बहुत मज़ा आया अमर जी, बिल्कुल आएगा इसी तरीके से आएगा, सब सब्जेक्ट्स में आएगा। अदनान जी बिल्कुल शुक्रिया, सही है इंग्लिश, बिल्कुल सर इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स रखें हम, हमें देखो दोस्तों हमारा मोटो क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, मैं दोस्तों खुद को लेके ही चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी, मैं भी बीटेक में कैसे पढ़ाऊँ मुझे पता है, कॉलेज चाहे अच्छा था, टीचर्स अच्छे थे, कुछ भी रीजंस थे, तो जब पढ़ना शुरू करोगे तभी से शुरू हो जाएगा दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने कॉलेज में कुछ नहीं किया, सिर्फ डिग्री हाथ में लेके बाहर आए आप, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे हर सब्जेक्ट को और पढ़ते जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में करेंगे, हिंदी वाले भी समझ पाएं, इंग्लिश वाले भी समझ पाएं, जो भी टेक्निकल टर्म्स होंगी दोस्तों वो इंग्लिश में चलेगी, ताकि आप फॉर्मूलाज वगैरह प्रॉपर लिख पाएं, जो भी नोट्स आपके हैं वो प्रॉपर बना पाएं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट्स की, बहुत सारे बच्चे सोम कमेंट कर रहे हैं, अभी हमारा बिल्डिंग वाला पार्ट चल रहा है, तो ये बिल्डिंग वाला पार्ट सारा कंप्लीट कर लेते हैं इस वीक में दोस्तों, फिर उसके बाद हम मैकेनिक्स की ओर बढ़ेंगे, मैकेनिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, फोर्स क्या है वहां से शुरू करेंगे बिल्कुल, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या है, इन सब की बात करेंगे, फिर फ्लूइड भी बात करेंगे, सब टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है कि यार ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पहले कर लिए जाएं, एक एक करके करेंगे, टॉस भी करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों कमेंट्स में, ये लाइव चैट में तो आप बिल्कुल बता ही रहे हैं सर, कमेंट्स में बताइए हमें बाद में इस क्लास को ओवर होने के बाद कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, या ओवरऑल अब तक आपको सिविल इंजीनियरिंग कैसा लग रहा है दोस्तों, और हमें ये भी आप बता सकते हैं, आप एडवाइस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे आपको चीज़ें अच्छे लग रही है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड था दोस्तों, ट्रेडिशनली हम बोर्ड पे सब कुछ कर रहे हैं, तो उन क्लासेस में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है दोस्तों, हर टॉपिक कवर भी नहीं हो पाता है, और इमेजेस की फॉर्म में नहीं होता है, तो हमें थ्योरी अच्छे से याद नहीं रहती है। कौन से मेथड्स आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों, क्या तरीका अच्छे लगते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग वाईफाई स्टडी, यही विश्वास आप बनाए रखिए, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप को खुश रखिए। थैंक यू सो मच, मेरा नाम था संदीप जानी और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे आशीष सर, थैंक यू।